एक कहानी है रेजिस्टेंस की और दूसरी कहानी है क्या वीआई ग्राफ। क्योंकि मैंने बोला दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं कुछ डमी वैल्यूज ले लूं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की, यानी कि वी और आई की कुछ डमी वैल्यूज ले लूं, जैसे कि ये यहाँ पे लिया वी, यहाँ लिया आई, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और 50 वोल्ट, और करंट की वैल्यूज ले लूं कैसे, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर और 25 एम्पियर। क्या इन वैल्यूज से आप लोग एक वी आई ग्राफ प्लॉट कर सकते हो सच दैट कि वी जो हो वो वाई एक्सिस पे आए और जो आई हो वो एक्स एक्सिस पे आए। कैन यू डू इट? ये वी और ये आई। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू ड्रॉ अ ग्राफ वेयर वी इज ऑन द वाई एक्सिस एंड आई इज ऑन द एक्स एक्सिस। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं दैट रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ओके, आज की डेट में जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, यस, आज की क्लास में जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करी थी तो हम लोगों ने किसको डिफाइन किया बेटा? हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिफाइन किया। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि ओम्स लॉ में फिक्स किया है टेम्परेचर, ओम्स लॉ में फिक्स किया है टेम्परेचर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ये कि अगर हम लिखते हैं कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, जब एक्स कम होगा तो वाई भी कम। क्लियर है? और अगर मैं कुछ ऐसा लिखती कि इनवर्स रिलेशनशिप है तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट से एक क्या निकाला, एक कंक्लूजन निकाला दैट जब वी बढ़ेगा, दैट इज जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। और इस चीज को हम लोगों ने किस तरीके से लिखा? इस तरीके से लिखा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम लोग को हमेशा एक कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पर वो कॉन्स्टेंट कौन है? हमारा आर। और आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने जब ये कॉन्स्टेंट लगाया तो हम लोग का ये जो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वाला स्टेटमेंट था ये काय में कन्वर्ट होगा, आई इज इक्वल्स टू 1/r इनटू वी। इससे क्या पता चल रहा है कि आई और आर में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर आर है हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन अब अभी हमारी कहानी में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है विच इज वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ मतलब क्या कि वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सिस पे क्या करंट। तो मैंने बोला कि जब वी बढ़ रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है, तो करंट भी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 हो रहा है। मतलब जब जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब तब करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जब इस स्केड्यूल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो हमारा वी आई ग्राफ बनाया है ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस या फिर करंट वाली एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है।
यस और नो? तो जब बेटा हम लोगों ने ग्राफ बनाया, वी आई ग्राफ का बनाया, तो हमने देखा कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है उससे मुझे क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप का मतलब होता है ये वाला एंगल थीटा, या फिर वैल्यू ऑन वाई एक्सेस अपॉन में वैल्यू ऑन एक्स एक्सेस। तो वैल्यू ऑन वाई एक्सेस क्या है, वी, और वैल्यू ऑन एक्स एक्सेस क्या है, आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस आर होता है। इज इट क्लियर? यानी कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम एंगल उतना कम रेजिस्टेंस। क्या इतना सबको समझ में आया?